हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुब्लॉसम। आज हम कर रहे हैं चैप्टर आर एनवायरनमेंट एंड दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इफेक्ट ऑन आर एनवायरनमेंट। तो बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ एक्टिविटीज की बात करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसमें के केमिकल्स की कंसंट्रेशन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती जाती है, बिग प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले जरा सारे टॉपिक्स के ऊपर नजर मार लें। दूसरा है पोल्यूशन, देन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड गार्बेज मैनेजमेंट। वन बाय वन प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से। What is the meaning of biological magnification? Biological magnification को हम biomagnification या bioamplification भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, harmful chemicals या toxins, जैसे कि कोई pesticides हो गए या कोई herbicides, weedicides हो गए, वो क्या करते हैं, वो food chain में enter कर जाते हैं और उनकी जो concentration है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे कि ट्रॉफिक लेवल बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो है कंसंट्रेशन वो कहाँ आ जाती है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारी फूड चेन्स के टॉप पे तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हार्मफुल केमिकल्स जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फिर खतरा तो है ही है। तो फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, द हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंटर द फूड चेन्स एंड देयर कंसंट्रेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन गेट्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स। तो जो भी टॉप पे आएगा ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म, उसकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो है एट रिस्क। ये जो है बायोमैग्निफिकेशन, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, क्योंकि जब हम डायग्राम से समझते हैं ना वो फिर हमें कभी नहीं भूलता। चलिए हम ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं और कुछ जो है हमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर भी कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड, कई तरह की दवाइयां, पेस्टिसाइड केमिकल्स ये यूज किए जाते हैं। अब क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट से आ रहा है वेस्ट वाटर, इसके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स या टॉक्सिक्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरह से ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं यहाँ से भी जो पेस्टिसाइड्स या इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो आ सकते हैं वाटर ड्रेन्स के अंदर। और ये जो वाटर ड्रेन्स हैं ये आ गई अब एक वाटर बॉडी के अंदर। अब ये जो वाटर बॉडी है इसके अंदर कई तरह के एनिमल्स रह रहे होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जूप्लैंक्टन्स होंगे, कोई छोटी मछलियां, कोई बड़ी मछलियां, कोई फ्रॉग्स हो सकते हैं, कोई और भी एक्वाटिक एनिमल्स हो सकते हैं। अब क्या है, हैवी मेटल्स या टॉक्सिक्स वाला पानी जो है अपने साथ और भी पेस्टिसाइड्स लेता हुआ आया और आके मिल गया इस वाटर बॉडी के पानी के साथ, यानी के अब इस वाटर बॉडी के अंदर जो है ये केमिकल्स जो है ये पहुंच गए। अब क्या होगा कि ये जो केमिकल्स हैं ये पहुंचेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर और फिर जूप्लैंक्टन्स के अंदर जाएंगे। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा इन हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे ये जो है जूप्लैंक्टन्स, इनको कौन खाएगा, सपोज कर लो कि एक स्मॉल फिश ने खा लिया, तो इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो और बढ़ जाएगी। और जब इस स्मॉल फिश को कोई लार्ज फिश खा लेगी तो इसके अंदर इन हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा
पर यूनिट वेट के हिसाब से जो कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स है या टॉक्सिन्स है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक फूड चेन देखते हैं। जैसे ये जो है हमारे पास एक फूड चेन है, इसमें क्या है, ये जो है पानी, इसके अंदर कई तरह के फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स जो है वो रह रहे हैं। इनको कोई स्मॉल फिश खा रही है, इस स्मॉल फिश को कोई लार्ज फिश खा रही है, इस लार्ज फिश को जो है कोई पेलिकन या कोई और ऐसे बर्ड्स जो है, जो फिश ईटिंग बर्ड्स है वो खा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स की, तो वो क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे या आगे जाते हुए ये जो हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हम कुछ फिगर्स ले लेते हैं, हालांकि ये जो फिगर्स है ये कोई फिक्स्ड फिगर्स नहीं है, क्योंकि हर जगह पे ये जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करेगी। सपोज कर लो कि पानी के अंदर जो है 0.003 पर, सपोज कर लो पानी के अंदर 0.003 पार्ट्स पर बिलियन जो है केमिकल पहुंच चुका है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स तक पहुंचते पहुंचते कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। अगले ट्रॉफिक लेवल तक जाके ये 0.5 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, और उसके अगले ट्रॉफिक लेवल पे 2 ppm कंसंट्रेशन भी हो सकती है, और उसके अगले ट्रॉफिक लेवल पर 25 ppm कंसंट्रेशन भी हो सकती है। अगर इस पेलिकन को हम खाते हैं तो आप खुद तो सोचो फिर कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी हार्मफुल केमिकल्स की, और हेल्थ को तो नुकसान होगा ही होगा। कई बार इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि कई तरह की डेंजरस बीमारियां जैसे कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। मैं फिर से आपको बता रही हूं कि ये जो यहां पर कंसंट्रेशन की फिगर्स दी हुई है ये कोई फिक्स्ड फिगर्स नहीं है। आप देखो कई इस तरह की कंट्रीज हैं जहां पर जो केमिकल्स हैं वो इतने ज्यादा यूज ही नहीं होते, या कई जगह जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो वहां पर भी कोई पेस्टिसाइड्स इतने नहीं प्रोड्यूस होते। तो ये जो है अलग अलग स्टडीज में अलग अलग फिगर्स जो है वो सामने आई हैं। हम कुछ फिगर्स को जस्ट एज एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम एक और फूड चेन देखते हैं। अब देखिए एक और फूड चेन आ गई है, थोड़ी मिलती जुलती ही है पहली वाली से, कि पानी है तो प्लैंक्टन्स हैं, फिर उसके बाद कोई फिश है, और अब इस फिश को कौन खा रहा है, इंसान खा रहा है। तो अब क्या होगा कंसंट्रेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, तो बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सपोज कर लो कि यहाँ पानी के अंदर इन हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन 2 ppm है, यानी कि 2 parts per million है, तो प्लैंकटन तक इसकी कंसंट्रेशन 5 parts per million तक बढ़ सकती है, तो फिर फिश के अंदर जो है वो 200 parts per million तक भी बढ़ सकती है, और उसके बाद इंसान तक या किसी पेलिकन तक पहुंचते पहुंचते ये जो है वो 1600 parts per million भी हो सकती है। हो गई ना कितनी ज्यादा। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, और ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करेगा, स्पेशली जब DDT जैसे पेस्टिसाइड्स या इस तरह के और भी ज्यादा हम कह दें कि हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो है वो एक बारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, तो वो ना डीकम्पोज होते ना मेटाबलाइज होते हैं, वो आगे आगे इकट्ठे होते चले जाते हैं। जैसे कि जो एनिमल्स हैं इनका जो एडिपोज टिश्यू होता है, फैट टिश्यू होता है, उसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, और ये जो अकोमोलेशन है वो आगे आगे बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाती है। ये जो कोई एनिमल है ना, अगर ये मर भी जाए ना, तब भी इसकी जो डीकम्पोजिशन है उससे ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो डीकम्पोज नहीं होंगे, वो टूटेंगे नहीं। सो ये जो है इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं इस तरह के केमिकल्स। एक बारी फूड चेन में एंटर कर गए तो फिर ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे इकोसिस्टम के लिए। हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। हम ये वाली जो है एक फूड चेन लेते हैं जिसमें प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं रैट्स, रैट्स के ऊपर फीड कर रही हैं कैट्स, और कैट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं लायन।
तो ये जो है एक फूड चेन है. इस फूड चेन को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लांट्स हैं तो उनको प्रोड्यूसर्स कह देंगे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो फिर सारे कंज्यूमर्स ही हैं. पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर. तो प्रोड्यूसर्स आर फॉलोड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन फॉलोड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन फॉलोड बाय टर्शरी कंज्यूमर्स. तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है प्रोड्यूसर्स ने या प्लांट्स ने जो है हार्मफुल केमिकल्स जो है वो अपने अंदर अकमुलेट कर लिए. जब इनको खाया किसी प्राइमरी कंज्यूमर में तो यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, जैसे कैट ने खाया, तो कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गई. और जब इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर ने खाया तो कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गई. जितनी कंसंट्रेशन बढ़ी उतनी हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ी, यानी कि फिर खतरा भी बढ़ता चला जा रहा. देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर भी डेंजर साइन है ना, इसी तरह से सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. सो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन. चलिए फिर इसको कंक्लूड करते हैं. सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर नॉट यूटिलाइज्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, रादर दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस गेट अकमुलेटेड इन फैट और एडिपोज टिश्यू ऑफ द एनिमल्स. दीज आर नॉट डिग्रेडेड इवन बाय द डीकम्पोजर्स, एंड कई तरह के हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो कॉज करते हैं. पेस्टिसाइड्स जो है उनसे तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी जो है वो हो जाती हैं. बर्ड्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है. बर्ड्स में क्या होता है कि वो जो अपने एग शेल्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं, वो जो डेपोजिशंस होती हैं वो भी कम हो जाती हैं. यानी कि इन बर्ड्स ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू डिपॉजिट कैल्शियम इन द एग शेल्स. तो जब एग शेल्स जो है उनमें प्रॉपर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो जो वीक शेल्स हैं वो टूट जाएंगे, तो जो चिक्स हैं वो मर जाएंगे. इस तरह से क्या है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो हो जाएगा डिस्टर्ब्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. आगे हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की. इसमें क्या होता है समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, क्योंकि डायग्राम से समझा हुआ फिर नहीं भूलेगा. देखिए ये डायग्राम है, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें हमें एग्रीकल्चरल फील्ड्स यानी के क्रॉप फील्ड्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर एक पॉन्ड या एक वाटर बॉडी जो है वो भी हमें जो है वो नजर आ रही है. और होता क्या है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर जो है कई तरह के फर्टिलाइजर जो है वो यूज किए जाते हैं. क्यों किए जाते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सके प्लांट्स को. और जब एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है तो ऑब्वियसली ये जो है पानी के साथ फिर ड्रेन हो जाते हैं. ये जो फर्टिलाइजर्स हैं अल्टीमेटली वाटर की ड्रेन से इकट्ठे होते होते पहुंच जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर. अब क्या है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर बॉडीज के अंदर जो है प्लांट ग्रोथ को कैसे प्रमोट करेंगे, कि यहाँ पर जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं, वो जो एल्गी होती है जिसको हम स्कम भी कह देते हैं, उसकी फॉर्मेशन जो है वो बढ़ा देंगे. अगर एल्गल ब्लूम्स बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी वाटर बॉडी जो है उसकी सरफेस को कवर कर लेंगे, और उससे क्या होगा कि जो अंदर की साइड पर पानी है उसके अंदर ना तो लाइट पहुंच पाएगी और ना ही जो है ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, क्योंकि ऊपर तो पूरी कवरिंग क्रिएट हो गई एल्गल ब्लूम्स की. अब जो डिफ्यूजन होना होता है गैसेस का वो तो एटमॉस्फेयर से ही होना है ना, तो जब यहाँ पर एल्गल ब्लूम्स की एक पूरी कवरिंग हो गई तो बाहर से ऑक्सीजन तो अंदर जा नहीं पाएगी. तो क्या होगा कि यहाँ पर पानी में लाइट एंड ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी. उससे क्या है कि
जो अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे, जैसे प्लैंकटन्स मरने शुरू हो गए, स्मॉल फिश मरनी शुरू हो गई। तो जब छोटे छोटे एनिमल्स मरेंगे तो इनकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, तो पानी का जो है बीओडी बढ़ जाएगा, यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है यहाँ पर वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन और भी ज्यादा जो है वो यूज हो जाएगी, तो अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी जो है वो हो जाएगी। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है इसको हम हाइपोक्सिया भी कह देते हैं। उससे क्या है कि जो और इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे और मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो पाएगा और वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा एक्वाटिक एनिमल्स मरने शुरू हो जाएंगे और उनकी डीकम्पोजिशन भी शुरू हो जाएगी, तो ये जो एक वाटर बॉडी है, चाहे ये पॉन्ड है, चाहे कोई लेक है या कोई और कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर एक डेड जोन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो वाटर इकोलॉजिकल सिस्टम है वो हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। फूड चेन्स तो डिस्टर्ब हुई हुई है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है यहाँ पर वो हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। तो अब क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे यूट्रोफिकेशन के, वो जरा थोड़े से फटाफट से जॉट डाउन कर लेते हैं। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होगा, वाटर बॉडीज बिकम न्यूट्रिएंट रिच। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर रिच पानी आ गया जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसके कारण क्या हुआ, डेंस ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम्स, यानी के एल्गल ब्लूम्स की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। उससे क्या है, रिडक्शन इन अंडर वाटर लाइट एंड ऑक्सीजन। अंडर वाटर यानी के पानी का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर लाइट एंड ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। फिश एंड अदर इक्वेटिक एनिमल्स गेट किल्ड। तो जैसे ये मरने शुरू होंगे, सबसे पहले क्या होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर इनका डीकम्पोजिशन भी शुरू हो जाएगा, अंदर और भी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हाइपोक्सिक डेड जोन्स क्रिएट हो जाएंगे जिसमें कि ऑक्सीजन कम रहती है। तो इस तरह से पूरा जो है इकोलॉजिकल सिस्टम वो हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रोफिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूशन? एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इनटू आवर एनवायरनमेंट इज नोन एज पोल्यूशन। कई तरह का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये तो इसकी टाइप्स है ही हैं। तो हम एयर पोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, चलिए देखते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द प्रोसेस ऑफ राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी के एटमोस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज की कंसेंट्रेशन बढ़ जाने के कारण जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के बढ़ने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, क्योंकि डायग्राम से समझा तो फिर नहीं भूलेगा। चलिए हम ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है, कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इनमें क्या होता है कि कई तरह की हार्मफुल गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, और ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ जो है वो शो की हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, जिनमें मेनली आ जाएंगी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस भी आ जाएंगी, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, मतलब कई तरह की जो है फ्लोरिनेटेड गैसेस आ जाएंगी। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड गैस आ जाएगी। सो बहुत तरह की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उससे क्या है, ये हार्मफुल गैसेस जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो है वो रिलीज होती हैं। और क्या होता है कि देखो, जो सनलाइट है, अगर नॉर्मली जो सनलाइट हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, तो काफी जो सनलाइट है वो अर्थ के सरफेस के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि स्पेस की तरफ चली जाती है। तो वो डायग्राम के इस हिस्से में हमने जो है शो किया है नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें ट्रीज नजर आ रहे हैं हमें, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि सनलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाती है, तो जो
हीट है वो भी बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर ये जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा कि जो सोलर लाइट है वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना वो सोलर एनर्जी को और हीट को अंदर ही ट्रैप कर लेंगे। देखो यहाँ पर इसको ट्रैप कर लिया गया, तो ये जो हीट रेडिएशन है ये देखो अंदर ही रह गई है, ये स्पेस में वापस नहीं जा पाई, अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर नहीं निकल पाई। तो धीरे 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 जैसे जो है ज्यादा ज्यादा जो है सोलर रेडिएशंस या हीट रेडिएशंस अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप होती चली जाती है, तो स्लोली एंड स्लोली क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो हम देखें अब कि ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस ये कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है। देखो ये जो है पाई चार्ट ये 2018 की फिगर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो बनाया गया है। इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 81% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में, और मिथेन 10%, नाइट्रस ऑक्साइड 7% एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस 3% जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंक्लूड करें, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो जाता है कि राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी के पूरी अर्थ का ग्लोबली जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, बर्फ पिघलेगी, कहाँ जाएगी, समुद्रों में ही जाएगी, तो सी लेवल जो है वो राइज कर जाएंगे। सी लेवल जो है राइज करेंगे तो कई जो है आइलैंड्स वो तो डूब भी जाएंगे, और ओशंस के अंदर जो सर्कुलेशंस का पैटर्न चलता है वो भी हो जाता है चेंज, यानी कि लार्ज स्केल चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशंस। यही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे रेनफॉल पैटर्न्स को भी चेंज कर रही है। आपने नोटिस किया होगा आजकल पता ही नहीं लगता नॉन सीजनल बारिशें शुरू हो जाती हैं, जब सीजन होता है तब बारिश होती नहीं है और सीजन के खत्म होने के बाद जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा कि आजकल एक्सट्रीम वेदर्स हो रहे हैं, कई बार ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एक्सट्रीम्स में जा रही हैं वेदर कंडीशंस। इसी तरह से चेंज इन सीजनल पैटर्न्स, ये भी आपने नोटिस किया होगा कि सीजन जो है ना वो अब पहले वाले हिसाब से नहीं आ रहे हैं, पूरा का पूरा जो सीजनल पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है। कभी जो है सर्दी लेट हो रही है तो गर्मियां भी लेट स्टार्ट हो रही है, तो सीजनल पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चेंज करती हैं, यानी कि ये जो है इकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस जो है वो क्रिएट करती हैं, जिससे कि हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बैडली इफेक्टेड होते हैं। सो दिस इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हमने कर लिए हैं कुछ टॉपिक्स जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। आर एनवायरमेंट के फोर्थ पार्ट में हम करेंगे ओजोन डिप्लीशन एंड गार्बेज मैनेजमेंट। आई होप कि आपको आज का सारा लेसन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो फिर दोबारा से मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।